नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके जन्म जिसका नाम है ऑनलाइन सिलेंडर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उड़ान के बारे में। दोस्तों आप एवरी मंथ GSTR 3 भी फाइल करते हैं, मंथली वाली जो होती है, तो उसके लिए आप जो एक्सेल डाउनलोड कर रहे हैं उड़ान के लिए और उसके GSTR फाइल करने के लिए, वो कैसे डाउनलोड करते हैं आज इस वीडियो में जानेंगे। जिन जिन सेलर्स पे अभी ऑनलाइन उड़ान पे सेल कर रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है कि कैसे एक्सेल डाउनलोड करें या कौन सी एक्सेल डाउनलोड करनी चाहिए इसके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे सेलर सेंट्रल में आना है। आपने udaan.com खोलने के बाद वहाँ पे सेलर सेंट्रल पे क्लिक कीजिएगा, ये ऐसी स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट फ्रॉम और टू। फ्रॉम में आप पिछले महीने सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे सेप्टेम्बर की हमें चाहिए, ये 1 सेप्टेम्बर से हमने सेलेक्ट कर लिया, लास्ट 30 सेप्टेम्बर तक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट, न्यू ऑर्डर, पिकअप रिक्वेस्टेड, पिक, शिप, डिलीवर्ड, कैंसल्ड, ये दिख रहा होगा। तो आपने डिलीवर्ड ऑर्डर्स की एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड करनी है, तो आपके पास एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी, पॉपअप आ जाएगा और आपके पास एक्सेल यहाँ पे नीचे आपके जो स्क्रीन पे वहाँ पे दिख जाएगी कि आपकी एक्सेल डाउनलोड हो चुकी है। जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर्ड होंगे उस महीने में, उसकी आपको एक्सेल अपलोड करनी है GSTR 3B में, और उसी के साथ साथ उस ऑर्डर्स की डिटेल लिखनी है। स्टेट वाइज जितने भी होंगे वहाँ पे आपको उसको डिटेल फिल करनी है। इतना सा काम है दोस्तों, आपको कुछ पिकअप रिक्वेस्टेड, शेप ऑर्डर्स की कुछ नहीं करनी है। जो मंथ में जितने ऑर्डर्स डिलीवर्ड होंगे उसकी एक्सेल आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगी। यहाँ से ईजिली आप कॉपी कीजिए और उसी के साथ उसकी डिटेल बनाइए एक्सेल में और उसको अपलोड कीजिए अपने एंड से या CA के एंड से, आप CA को सेंड कीजिए, वो अपने एंड से GST में अपलोड करेगा। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल जवाब हो, कमेंट्स करना हो प्लीज़ करिएगा, कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा, कमेंट्स में फ्रीली पूछिएगा, आपके लिए भी उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।